नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं यूपी की चुनाव फटाफट खबरें। अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री के बाद मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कही जाने वाली प्रियंका मौर्य भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 16 उम्मीदवार महिला हैं। शाहजहांपुर में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। शाहजहांपुर की एक सीट से सपा की प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। यही नहीं, भाजपा ने उन्हें तिलहर सीट से उतारने का फैसला किया है, जहां के विधायक रोशन लाल वर्मा सपा में शामिल हुए हैं। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह का इस्तीफा पहले ही दे भाजपा में जा चुकी हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दी फैसले की जानकारी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। इस बात की जानकारी भड़ाना के वकील के जरिए दी गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा और यश भारती सम्मान दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया। बसपा ने देश की राजधानी दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप की केस की वकील सीमा कुशवाहा को अपने पाले में खींच लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा ने सीमा कुशवाहा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। खलौली विधानसभा से भाजपा के विधायक और प्रत्याशी विक्रम सैनी के विरोध में कुछ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध के चलते प्रत्याशी को गांव से वापस लौटना पड़ा। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अब अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जो कल तक उन पर परिवार का आरोप लगा रही थी, अब इसे खत्म कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।